तो ये अजीब बात है कि आपकी मुखालिफत ने आपको ज्यादा मशहूर किया मुआफ़त के मुकाबले में। आपकी मुखालिफत ने आपको, जी हाँ, ये भाई हकीकत है। इसलिए इस काम में मुत्तहम होने से घबराना नहीं चाहिए। इत्तेहामात ये इस रास्ते की शान है। यहाँ लड़ाई है, मुझे क्यों कह दिया, मुझे क्यों कह दिया, मुझे क्यों कह दिया, क्या वो? क्योंकि जो नबियों को पेश आया है वो आपको पेश आया है, और जो आपको पेश आया है वो कयामत तक काम करने वालों को पेश आना है। सही बात है, क्योंकि आपकी बहस कयामत तक के लिए है, आपकी मुद्दत तो आपकी हयात तक है। जी हाँ, आपका काम कयामत तक के लिए। जी हाँ, इस उम्मत का मबऊस होने का मतलब यही है। तो जो आपको कहा गया कि आप नबी जी, इससे आप इसे मलूल ना होइए, अल्लाह ने तसल्ली दी, मा युकाल लका इल्ला मा कद क़ील लिर्रुसुल मिन क़ब्लिक। जो आपको कहा जा रहा है आपसे पहले नबियों को कहा जा चुका। जी हाँ, यह है बात। तो इत्तेहामात है, क्या इत्तेहामात तो इस रास्ते की शान है। अलबत्ता ये बात याद रखो कि अगर मामला अपना अल्लाह के साथ साफ है, अगर मामला अपना अल्लाह के साथ साफ है, तो फिर ये बाहर के सारे किस्से सब खत्म हो जाएंगे। और अगर मामला अल्लाह के साथ बिगड़ा हुआ है, तो मैं आपको बताता हूं कि बरात तो नाजिल होगी नहीं, वो तो दाशे के लिए हो चुकी, बरात तो नाजिल होगी नहीं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत इन नागवारियों में से खैर ऐसी निकाल कर दिखलाएंगे जिसकी तरफ गुमान ख्याल पहुंच नहीं सकता। इसलिए होता है ताकि इस रास्ते में चलने वाला हालात की वजह से मायूस ना हो जाए, इस रास्ते में चलने वाला हालात की वजह से मायूस ना हो। शैतान मायूस करेगा कि तुम्हारी बात कौन सुनेगा, तुम्हारी बात कौन मानेगा। हाँ, कि मायूस ना हो। तो इसलिए मैंने अर्ज किया कि मामला अल्लाह के साथ है, इसलिए तकवे को लाजिम पकड़े हम सब। इसको तकवे को, तकवा सिर्फ कमाई का नहीं, कि तुम्हें इज्तिमाई काम के अंदर जो बीमारियां पैदा होती है उन बीमारियों का इलाज करो, ये तकवा है। उन बीमारियों से बचो, ये तकवा है। हसद से, कीना से, साथियों के बारे में बदगुमानी से, एक जहनी गिबत भी होती है।